नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन पाटिल। जैसे कि आप लोग जानते हो, कुछ दिनों पहले मैंने एक छोटे से सिटी में मैं गया था, या छोटा गांव ही कह लो। मैं पुणे सिटी में रहता हूँ, पुणे सिटी से थोड़ा दूर है वो, ज़्यादा मतलब महाराष्ट्र में नहीं है। मैं उस गांव का नाम नहीं लूँगा और ना ही उस राज्य का नाम भी लूँगा, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी और वहाँ पे गंदगी काफ़ी ज़्यादा थी, साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं थी। लोग आज भी सुबह जो है बाहर के लिए मतलब फ्रेश होने के लिए जाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेडीज़ जो है वो सूरज जो है सनरेज से पहले वो करके आ जाते हैं। यानी कि मतलब इतने बुरा, कहने का मतलब मेरा यही है कि इतनी बुरी हालत आज भी हमारे इस इंडिया में है। क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? प्रॉमिस करो, वादा करो। मेरा इतना बड़ा चैनल तो नहीं है कि मैं सारे भारत को, सारी दुनिया को ये बता सकूं कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन मेरे चैनल पे जो लोग हैं वो काफ़ी बड़े दिल के हैं, आप लोग जी। तो आप लोग खुद से, अपने आप से वादा करो, हम एटलीस्ट हमारे आसपास का एरिया, हमारे गांव का एरिया तो भी क्लीन रखे, हमारे घर के आसपास का एरिया तो भी क्लीन रखे। दोस्तों, हमारा अगर खुद का, मेरा अगर घर मैं क्लीन रखूँ तो मेरे बाजू वाला भी रखेगा, उसके बाजू वाला भी रखेगा, उसके बाजू वाला भी रखेगा, ऐसा करके पूरा गाँव क्लीन रहेगा। ऐसा करके पूरा गाँव अगर क्लीन रहेगा तो ऑब्वियसली पूरा नगर क्लीन रहेगा, नगर क्लीन रहेगा तो जिला क्लीन रहेगा, जिला क्लीन रहेगा तो राज्य भी क्लीन रहेगा, और राज्य पूरी तरह से साफ सुथरा रहेगा, भारत भी ऑब्वियसली यार क्लीन ही रहेगा। मेरी छोटी सी कोशिश स्वच्छ इंडिया की, और साथ ही इस दिवाली मैं आप लोगों को, आपको, आपकी फैमिली को भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, लंबी उम्र दे और इस दिवाली खुशहाली आपके घर लौटे। ये हो गई मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। साथ ही अब आपसे मेरे को एक हेल्प चाहिए। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं कराए तो वहां पर फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर फॉलो इसलिए कर लो क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं आप लोगों का ओपिनियन इस चैनल पर डालने वाला हूँ। अब एक अपडेट आज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, वो अपडेट ऐसा है कि अगर सपोज आपके पास किसी तरह की बाइक है या फिर कार है, और उस कार का और उस बाइक का आप रिव्यू लोगों के सामने देना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है। वैसे हमारे चैनल की खासियत ही कि हम सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस लोगों तक शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो इसलिए करने को कह रहा हूँ कि वहाँ पर मुझे आप स्टोरी भेजोगे, वो स्टोरी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे बताऊँगा। अब अगर पॉसिबल है तो आपका शूट किया गया वीडियो मुझे भेज सकते हो, मैं वही यहाँ पे पोस्ट करूँगा और वो आप पूरी ये जो अपना आस्क ऑटो गुरु फैमिली है वो देखेगा। साथ ही एक फेसबुक पेज भी मैं बनाने वाला हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा आस्क ऑटो गुरु के नाम से एक स्पेशल फेसबुक पेज मैं बनाने वाला हूँ, जिस पर कोई भी अपने कार और बाइक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी वीडियो हो, कुछ भी ऑडियो हो, कुछ भी हो, वो वहाँ पे पोस्ट कर सकता है। एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ ताकि आधी रात को किसी को हेल्प लगे, अपनी गाड़ी फंस चुकी है, टूट चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है, कुछ भी हो, तो उस प्लेटफॉर्म से उसको इमीडिएट अपने आसपास के एरिया में हेल्प मिल सके। तो ये हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की मैं प्लानिंग कर रहा हूं। वैसे मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों की हेल्प से ये बड़ा भी हो रहा है। तो दोस्तों, इस चैनल को बड़ा करने में प्लीज यार मेरी हेल्प करो। ये मेरे लिए नहीं मैं कह रहा हूं, मेरे भाई आप लोगों की हेल्प के लिए कह रहा हूं। इसमें डेफिनेटली हम सबका फायदा है। मेरा फायदा तो चलो, मेरा नाम होगा, मेरा काम बढ़ेगा, मेरा सब कुछ होगा, लेकिन पैसों के लिए मैं ये चीज नहीं कर रहा हूं दोस्त। पैसे मेरे पास वैसे भी है, ऐसे भी है, मेरा खुद का रियल इस्टेट का बिजनेस है जो कि काफ़ी अच्छा रन में कर रहा हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जानकारी रखना, बताना मेरे लिए काफ़ी अच्छा मुझे फील होता है और मेरा इंटरेस्ट भी है उस चीज़ में, इसलिए मैंने ये चैनल क्रिएट करा है। वैसे पैसों के लिए तो ये चीज़ नहीं है, फिर भी चैनल ग्रो होगा तो ऑब्वियसली पैसा आएगा ही भाई, और अगर आएगा तो मैं मना नहीं करूँगा, वो बात अलग है। अब मुझे आप लोगों की इसलिए हेल्प चाहिए कि आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और वहाँ पर आपकी स्टोरीज मुझे भेजो। हो सकता है आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी का, बाइक का आपके एरिया में है, आपके, आप भी बन सकते हैं यूट्यूबर मेरे साथ, उस वीडियो से जनरेट होने वाला रेवेन्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डोंट वरी, मेरा मोबाइल नंबर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वो सिर्फ व्हाट्सअप के लिए रहेगा, बिकॉज ऑफ धीरे धीरे अपनी फैमिली बड़ी हो रही है और मैं मोबाइल नंबर अगर शो कर दूंगा तो मुझे दिक्कतें हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल आने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। आने वाले कुछ दिनों में मैं पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म जो फेसबुक पेज है वो बनाने वाला हूँ, वहाँ पर आप भी ओपनली पोस्ट कर सकते हो कुछ भी, जैसे वीडियो है, ऑडियो है, जो राइटिंग अगर है कुछ तो वहाँ पर लिख सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें। फिर भी इस पूरे बदलाव में आपको क्या लगता है, यानी कि आपके क्या सजेशन से मुझे प्लीज़ बताना, इसके दौरान हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपका सजेशन इसलिए मुझे चाहिए कि इसमें कुछ अगर बदलाव करना चाहे, यानी कि कुछ और बेहतर बनाना चाहे तो इसमें और क्या कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और अपनी ये जो आस्क ऑटो गुरु फैमिली है इसे बढ़ाने में मेरी हेल्प करोगे। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।